चिकन टिक्का बोटी तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपको चिकन टिक्का बोटी बनाना सिखा रहे हैं। बहुत स्मॉल साइज, जो आप पिज़्ज़ा में भी यूज़ कर सकते हैं, सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकते हैं, और लंच बॉक्स में देने के लिए, छोटे बच्चों के लिए रोल बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाह, हमारे आधा किलो हमने चिकन लिए, उसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून दही डाला है और 1 टीस्पून लहसुन डाला है। 1 टीस्पून भर के या 1.5 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा जर्दे का रंग, ये ऑप्शनल है, आपको ज़रूरत ना हो तो आप ना डालें, 1 टीस्पून ज़ीरा भुना पिसा, 1 टेबलस्पून भर के चाट मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून नमक है, वो हमने 1 टीस्पून लिया है, आप ज़्यादा पसंद करते हो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, और 2 से 3 टेबलस्पून हम सिरका यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ये तमाम चीज़ें इसमें डाल देंगे, उसके बाद 2 से 3 टेबलस्पून सिरका डाल देंगे, इसको सब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद हम इसमें कोयले की धुनी देंगे। तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं, अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसको मैरिनेट होने के लिए कम से कम 1/2 घंटे के लिए रख देंगे और फिर कोयले की धुनी देंगे। 1/2 घंटे हो गए, हमारी चिकन मैरिनेट हो गई है, अब इसमें धुनी देंगे हम कोयले की, उससे थोड़ा सा बारबेक्यू फ्लेवर आएगा। इसको ढक दें फौरन, पाँच मिनट के बाद हम इसको चिकन को पकाना शुरू करेंगे। देखें 5 मिनट हो गए, अब हम इसमें से कोयला हटा देंगे। हमने 1 से 1.5 टेबलस्पून ऑयल लिया है और उसके अंदर हम अपनी चिकन को फ्राई करेंगे। इसको तेज़ आंच पे फ्राई करना है, आंच हल्की नहीं करनी है, और इसको हमको पैन को ढकना भी नहीं है क्योंकि हमको इसका पानी खुश करना है। पैन से चलाते रहें ताकि नीचे से लगे नहीं। तेज़ आंच रखें, आंच को हल्का ना करें। देखिए अभी भी थोड़ा सा पानी है, 5 से 6 मिनट लेंगे, 7 मिनट, और ये बिल्कुल खुश हो जाएगा। देखें पानी बिल्कुल खुश हो गया, तकरीबन 7 मिनट लगे और ये तैयार हो गया। बहुत छोटी बोटी होती हैं इसलिए इनको बहुत ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं होती। चिकन टिक्का बोटी तैयार है, आप ये बना के 1 दफ़ा रख लें और इजीली आप जब इमरजेंसी हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको पिज़्ज़ा में, सैंडविच में, पराठा रोल में, या बहुत सी और भी चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शावरमा में भी यूज़ की जा सकती है ये। आप ये बनाइए, अपना फीडबैक दें हमको कि आपकी कैसी बनी।